चैनल आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रियल नंबर चैप्टर ऑफ क्लास 10th. ये द क्वेश्चन इज इफ पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो यहाँ पर हमको कंडीशन दिया है दैट पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर यहाँ पर हमको दिया होता पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स तो रूट पी प्लस रूट क्यू हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होता. अंडरस्टूड? हमको बोला है प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, दैट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर. बट अगर पी और क्यू सिर्फ बोला होता पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होता दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर. सम केसेज में वो ट्रू होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ फाइव रूट फाइव प्लस रूट सेवन, सो फाइव और सेवन जो है दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दे आर नॉन परफेक्ट रूट्स, तो इरेशनल नंबर हो जाता. अंडरस्टूड? बट यहाँ पर हमको बोला पॉजिटिव इंटीजर तो रूट फोर प्लस रूट नाइन भी हो सकता है. तो रूट फोर मतलब टू, रूट नाइन मतलब थ्री, टू प्लस थ्री दैट इज़ फाइव और ये क्या है रैशनल नंबर. रूट ट्वेंटी फाइव होता प्लस रूट थर्टी सिक्स होता तो यहाँ पर आता फाइव प्लस सिक्स हो जाता, अगेन इलेवन हो जाता. हाँ, रूट इलेवन प्लस रूट थर्टीन, सो यहाँ पर दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, तो ये इरेशनल. तो सब केस में इरेशनल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. कोई केस में रैशनल हो जा रहा है, कोई केस में इरेशनल हो जा रहा है. अंडरस्टूड? अगर हमको बोला होता पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इतना बोला होता. अंडरस्टूड? बट यहाँ पर हमको दिया है पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स. सो प्राइम पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका मतलब रूट पी प्लस रूट क्यू हमेशा इरेशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ. जो वन और खुद से डिविजिबल होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. और जो स्क्वायर वैल्यूज होते हैं वो कभी प्राइम नंबर्स नहीं होते. अब जैसे कि बात करें फोर, तो फोर जो है वो फोर से भी डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है और वन से भी डिविजिबल है. अब जैसे बात करें सिक्सटीन, जो स्क्वायर वैल्यू है तो वो सिक्सटीन से डिविजिबल है, फोर से डिविजिबल है, एट से भी डिविजिबल है, टू से भी है और वन से भी है. अंडरस्टूड? तो ये जो है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते. तो जो भी स्क्वायर वैल्यूज है, जैसे 25 है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है वो क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो वन से और खुद से सिर्फ डिविजिबल होता है. तो इसका मतलब स्क्वायर वैल्यूज प्राइम नंबर नहीं हो सकते, या मैं बोल सकता हूँ प्राइम नंबर्स आर नॉट स्क्वायर वैल्यूज, दे आर नॉट स्क्वायर वैल्यूज. अगर वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो रूट के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होगा नहीं. अब जैसे रूट फाइव की बात करूँ तो फाइव जो है वो प्राइम नंबर है. अब जैसे प्राइम नंबर है, जैसे टू हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, सेवन हो गया, तो ये सारे वैल्यूज मैं इसमें अगर पुट करूँगा तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा. अंडरस्टूड? तो अगर यहाँ बोला है प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब रूट पी जो होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, रूट क्यू जो होगा वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि पी और क्यू जो है स्क्वायर वैल्यूज नहीं हो सकते. अगर स्क्वायर वैल्यूज नहीं हो सकते इसका मतलब दे आर नॉन परफेक्ट रूट्स, दे आर नॉन परफेक्ट रूट्स. अंडरस्टूड? तो स्क्वायर वैल्यूज कभी नहीं आएगा, रूट फोर कभी नहीं आएगा, रूट सिक्सटीन कभी नहीं आएगा, रूट 121 कभी नहीं आएगा. अंडरस्टूड? दैट इज रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन, जो भी प्राइम नंबर्स हैं. समझ में आया? ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रूट पी अगर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इट इज़ एन इरेशनल नंबर. जैसे कि हमने प्रूव किया था रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, सेम जैसे रूट थ्री हम प्रूव करेंगे वैसे रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, रूट सेवन इज एन इरेशनल नंबर. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ सी दैट वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस सेशन. क्योंकि आपको अगर पता है दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल, रूट फाइव इज एन इरेशनल, रूट सेवन एन इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो आपके लिए ये जो प्रूफ है काफ़ी ईजी हो जाएगा, समझने के लिए भी ईजी हो जाएगा. सो वी नो दैट रूट पी जो होगा वो इरेशनल होगा, रूट क्यू भी जो होगा वो इरेशनल होगा, क्योंकि दे आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स. बट हमको प्रूफ करना है कि रूट पी प्लस रूट क्यू जो होगा वो इरेशनल होगा, वो हम प्रूफ करते हैं अभी. ओके, सो ऐसे प्रूफ को हम नॉर्मली कॉन्ट्रडिक्शन मैथड से करते हैं. मतलब जो हमको प्रूफ करने बोला है उसके अगेंस्ट में हम स्टेटमेंट लेते हैं. तो हमको बोला है रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करो, तो हम बोलेंगे नहीं, लेट अस अज्यूम दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. हमको बोला है कि वो इरेशनल है, प्रूफ करो, बट हम बोलते नहीं वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है. ठीक है, अगर हमने ये अज्यूम कर लिया
तो अगर हमने ये अज्यूम किया रूट पी प्लस रूट क्यू रैशनल नंबर है, सो वी नो दैट एनी रैशनल नंबर कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाय बी फ्रैक्शन फॉर्म में. सो देयरफॉर मैं रूट पी प्लस रूट क्यू को एज अ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए बाय बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, एंड ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, दे आर को प्राइम नंबर्स. व्हाट डू मीन बाय को प्राइम नंबर्स? जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन वन. दो नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन वन. ओके, सो दे आर को प्राइम नंबर्स. नाउ रूट पी प्लस रूट क्यू इज ए बाय इक्वल्स टू ए बाय बी. ओके, सो अगर मैं पी को वहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? रूट क्यू इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट पी. मैंने पी रूट पी को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दिया. मैं अभी कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ. अभी हमने अज्यूम कर लिया कि वो रैशनल नंबर है, तो रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल्स टू ए बाई बी. अब इसके बाद मैं कोई भी ऑपरेशन करूँ, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ. तो मैंने क्या किया, रूट पी को मैंने आर एच एस में ट्रांसपोज कर दिया. अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों साइड. अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स. सो ये क्या हो जाएगा, रूट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाई बी माइनस रूट पी द होल स्क्वायर. ओके, नाउ रूट क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एंड ए बाई बी माइनस रूट पी द होल स्क्वायर. तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इट इज ए स्क्वायर, दैट इज यहाँ पर ए बाई बी द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी. सो टू इंटू ए बाई बी इंटू रूट पी प्लस रूट पी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. अंडरस्टूड? ओके, नाउ क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पर क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस टू ए बाय बी रूट पी प्लस रूट पी स्क्वायर विल बिकम पी. अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक रूट टर्म बच रहा है, दैट इज रूट पी. तो ये टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ और क्यू को मैं आर एच एस में ट्रांसपोज कर देता हूँ. सो देखो अब क्या होगा, देयरफॉर इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा टू ए बाय बी रूट पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस पी प्लस पी. इसको तो हमने यहाँ ट्रांसफर प्लस पी, और क्यू को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस क्यू. अंडरस्टूड? ओके, नाउ इट इज़ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस पी, इधर कुछ नहीं मतलब वन, माइनस क्यू इधर कुछ नहीं मतलब वन. सो इसके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है, यहाँ वन है, यहाँ वन है. तो अब क्या करते हैं, सबका डिनोमिनेटर हम बी स्क्वायर बना देते, बिकॉज बी स्क्वायर वन और वन का एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा. तो हम सबका डिनोमिनेटर बी स्क्वायर बनाते, तो यहाँ ऑलरेडी बी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर ही रहेगा. यहाँ वन था तो वन को हमने बी स्क्वायर किया, मतलब वन इंटू बी स्क्वायर किया, तो ऊपर भी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा. तो ये जाएगा बी स्क्वायर पी माइनस, यहाँ वन था तो इधर भी हमने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जाएगा बी स्क्वायर क्यू. अंडरस्टूड? तो यहाँ आ गया, और ये क्या है, टू ए बाय बी रूट पी. ओके, सो मैं अब रूट पी को इधर ही रखता हूँ, रूट पी को मैं यहाँ ही रखता हूँ, और मैं ये टू ए बाई बी को आर एच एस में ट्रांसपोज करता हूँ. तो यहाँ जब ट्रांसपोज करूँगा तो ये बी जो है डिनोमीटर में, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में तो ये डिनोमीटर में. तो यहाँ हो जाएगा बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर यू. आप चाहिए तो बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं. ओके, एंड यहाँ आ जाएगा टू ए बी स्क्वायर. अब ये बी और यहाँ बी स्क्वायर है तो ये वन टाइम यहाँ कैंसिल हो गया. सो क्या बचा इधर, रूट पी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस बी स्क्वायर क्यू डिवाइड बाय टू ए बी आ गया, टू ए बी. ओके, नाउ अब देखो आर एच एस जो है, आर एच एस में क्या है, ए है, बी है, पी है और क्यू है.
तो देखो उनका स्क्वायर, उनका मल्टीप्लीकेशन वो तो है, बट ए और बी क्या है, दे आर को प्राइम नंबर्स, मतलब दे आर इंटीजर्स ऑल्सो, दे आर इंटीजर्स. पी और क्यू जो है वो प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर सब इंटीजर वैल्यूज़ है. अब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग जो भी होगा वो सब ऑपरेशन करके ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा. जो भी इंटीजर्स है उनका अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन जो भी कर रहे हैं और उनका रेशियो ले रहे हैं, तो ये वैल्यू जो होगा वो क्या आएगा, रैशनल नंबर. इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या है, रैशनल नंबर है ना, क्या है, रैशनल नंबर. ओके, नाउ इफ दिस इज अ रैशनल नंबर तो क्या होगा, रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर ही होगा ना. इसका मतलब रूट पी जो है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया. हाँ, बिकॉज ऑन द RHS वी आर गेटिंग दैट दिस इज अ रैशनल नंबर. नाउ इफ दिस आर रैशनल नंबर्स, ये सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ये जो रैशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर के बराबर होगा. इसका मतलब फ्रॉम अबव कंडीशन, सो आप ये स्टेटमेंट लिख देना कि दैट दिस फ्रैक्शन इज नथिंग बट अ रैशनल नंबर. सो इफ दिस इज अ रैशनल नंबर, सो फ्रॉम अबव कंडीशन वी कैन से दैट रूट पी इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर. ये कहाँ से हम बोल रहे हैं, जो हमको ये ऊपर वाला जो कंडीशन आ रहा है उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि रूट पी जो है वो क्या है, रैशनल नंबर. अंडरस्टूड? ओके, नाउ रूट पी हमको रैशनल आ गया, बट वी नो दैट, बट रूट पी इज एन इरैशनल नंबर. बट रूट पी क्या है, इज एन इरैशनल नंबर. ये ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है ना, जैसे रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि p जो है वो पॉजिटिव प्राइम इंटीजर है, और अगर वो प्राइम नंबर है तो p जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है. अगर वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो रूट p जो होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं. तो ऑलरेडी हमने प्रूफ किया है कि रूट p इज एन इरैशनल नंबर, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, रूट p जो है इज अ रैशनल नंबर. तो यहाँ हम बोल रहे हैं इरैशनल और यहाँ हमको आ रहा है रैशनल, तो ये कैसे हो सकता है. इसका मतलब दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट, वो दोनों तो हो नहीं सकता, या तो वो रैशनल होगा या तो वो इरैशनल होगा. हमने तो नंबर सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो हमने वहाँ कहीं नहीं पढ़ा कि रैशनल इरैशनल हो सकता है या इरैशनल रैशनल हो सकता है. हमने देखा था कि नेचुरल नंबर जो है वो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ये सब हमने स्टेटमेंट देखा था. बट रैशनल इरैशनल हो सकता है या इरैशनल रैशनल हो सकता है, ऐसा देखा था आपने? नहीं. तो मतलब रैशनल इरैशनल नहीं हो सकता और इरैशनल रैशनल नहीं हो सकता. तो ये जो स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट है ना, क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट. और ये कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट कहाँ से आया और क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन है इसका मतलब वो रॉन्ग है. क्योंकि अगर हमारा अजम्पशन राइट होता तो हम कोई भी ऑपरेशन करें, हम कुछ भी करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हमको कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट नहीं आएगा. अंडरस्टूड? तो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट कब आता है, जब हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट होता है. तो हमारा अजम्पशन क्या था कि रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, और हमको लास्ट में एक कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट आ गया कि रूट पी रैशनल नंबर है, जो वो इरैशनल है वो ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है. सो देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन. हमारा रॉन्ग अजम्पशन जो था कि रूट पी प्लस रूट क्यू वो रैशनल नंबर है, वो हमारा रॉन्ग अजम्पशन था. सो आप लिखेंगे देयरफॉर दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरैशनल नंबर. हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था. तो अगर रॉन्ग था तो इसका मतलब अगर वो रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इरैशनल. तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरैशनल नंबर. अंडरस्टूड? होप आपको समझ में आ गया. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है रूट थ्री हमने कैसे इरैशनल नंबर प्रूफ किया या रूट फाइव एज एन इरैशनल नंबर, वो आप वीडियो पहले देख लेना. उसमें हमने को प्राइम इंटीजर के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया. तो वो क्वेश्चन अगर आपका क्लियर होगा तो ये बहुत ईजी आपको लगेगा ये क्वेश्चन. होप यू हैव अंडरस्टूड. अगर अभी भी कुछ डाउट होगा कोई भी स्टेप में, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. सो विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, या कोई वीडियो हम बना देंगे अलग से. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye-bye.